जनपद में इन दिनों धान खरीद की प्रक्रिया तेजी पर है, जिसके मद्देनजर धान खरीद के नोडल अधिकारी और एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने तहसील सहजनवा के विभिन्न धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम फाइनेंस ने धान क्रय केंद्रों की व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिक से अधिक किसानों के धान खरीद के निर्देश दिए। इस दौरान एक केंद्र पर एडीएम फाइनेंस ने एक 81 वर्षीय किसान बैजनाथ सिंह को अपना धान की बिक्री करते हुए देखा और उनसे संवाद भी किया। इसके अलावा अन्य किसान भी धान क्रय केंद्र पर अपने धान को बेचते हुए नजर आए, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस ने कहा कि बड़े ही सुचारू ढंग से सुचिता के साथ धान की खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि धान खरीद की प्रक्रिया के तहत सभी किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। धान खरीद के बाद किसानों को उनके धान का मूल्य 3 दिनों के भीतर उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी किसान को कोई असुविधा हो तो एडीएम फाइनेंस के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस और धान खरीद के नोडल अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा। इनका नाम क्या है? वैजनाथ सिंह। आपका नाम है? लगाइए अंगूठा लगाइए। दादा अपना नाम बताइए। वैजनाथ सिंह। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, एडीएम गोरखपुर हूँ। मैं आज ये सहजनवा में धान क्रय केंद्र है, पैडी परचेज सेंटर है, यहाँ मैं हूँ। और आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी किसान हैं। मुझे लगता है कम से कम 400 से 500 क्विंटल धान यहाँ आया है और 30-40 किसान इस समय मौके पर हैं। यहाँ पावर डस्टर भी चल रहा है, पावर डस्टर है यहाँ पे, 2 कांटे हैं, दोनों पर तौलाई हो रही है। और मौका अच्छा था, ऐसे अवसर पर मुझे लगा कि इस समय निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य भी चल रहा है, तो मतदाता सूची की भी चर्चा कर दी जाए। इस समय मतदाता सूची का कार्य चल रहा है, जो आगे अभी 27 नवंबर होगा उस दिन फिर से विशेष तिथि होगी। आप सभी को अपने पोलिंग सेंटर पर जाना है, वहाँ पर मतदाता सूची रखी हुई है। आपको अपना नाम जरूर चेक करना है कि आपका नाम है या नहीं है। यदि आपका नाम नहीं है, आपके बच्चों का नाम नहीं है, तो आप वहाँ पे फॉर्म 6 भर के दे सकते हैं। आज की दुनिया डिजिटल की दुनिया है, तो आप इस चीज़ को वोटर हेल्पलाइन एक एप्लीकेशन है, प्ले ग्रुप पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ट्विटर पर एक अकाउंट है स्वीप गोरखपुर का, मेरा अनुरोध है उसको फॉलो करें। सुनो गोरखपुर एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पर चुनाव से संबंधित या शासकीय अन्य योजनाएं हैं उनसे संबंधित सूचनाएं उस पर डाली जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो निर्वाचन की मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम है, वो फेसबुक पर एक सुनो गोरखपुर का पेज है, उसको लाइक करें। इंस्टाग्राम पर भी सुनो गोरखपुर है। इस प्रकार से हमारे 4-5 डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर पर स्वीप गोरखपुर, यूट्यूब पर सुनो गोरखपुर, फेसबुक पर सुनो गोरखपुर, इंस्टाग्राम पर सुनो गोरखपुर, और इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसको आप लोग डाउनलोड करें और यूज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस हूँ, जिला धान खरीद अधिकारी हूँ। आज मेरे द्वारा धान क्रय केंद्रों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान मैं सहजनवा मंडी में जो धान क्रय केंद्र हैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पे उस समय लगभग 25-30 किसान थे और लगभग 400 क्विंटल धान वहाँ पर पहुँचा हुआ था। सहजनवा मंडी में हमारे 4 केंद्र हैं और कुल मिला के वहाँ ऐसा लग रहा था कि 1200 क्विंटल धान पहुँचा होगा। मेरे सामने एक वैजनाथ सिंह थे, उनका लगभग 42 क्विंटल धान का विक्रय हुआ और उनकी उम्र 81 वर्ष थी। तो हमने उनसे वार्ता भी की और वे बड़े संतुष्ट थे, बड़े प्रसन्न थे। अब प्रक्रिया में ये है कि आपको अपना ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, एक साइट है उस पर अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपकी आईडी का सत्यापन हो जाएगा, आपकी खरीद का सत्यापन हो जाएगा, आपको फिर विक्रय कर देना है और ऑनलाइन पैसा ही आपके खाते में सीधे पहुंच जाएगा। सर कितने दिन में पहुंच जाता है खाते में ये पैसा? लगभग 3 दिन
72 घंटे के अंदर आप पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। आपका जो अकाउंट है वो आधार सीडेड होना चाहिए, वो आधार से लिंक होना चाहिए। और क्या व्यवस्था है क्रय केंद्रों पे जैसे किसान जाते हैं तो? जी, क्रय केंद्रों पे सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं, उनके बैठने की व्यवस्था है, वहाँ गुड़ की व्यवस्था भी थी, उन केंद्र के प्रभारी ने व्यवस्था कर रखी थी और उनको गुड़ से मेरे सामने ही जलपान भी कराया गया, चाय भी पिलाया गया और बैठने की व्यवस्था थी। इसके अलावा यदि कोई धान, वैसे तो निर्देशित है या निवेदन है कि सभी लोग अपना धान ऐसा ले आएँ जो साफ़ सुथरा हो, यदि उनका साफ़ सुथरा धान नहीं है तो मौके पर पावर डस्टर हैं, विनोइंग फ़ैन हैं और पावर फैन भी हैं, उससे आपके धान की सफाई करके धान को क्रय कर लिया जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं आई किसानों को? मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अगर किसी किसान को ऐसा लगता है तो मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है, मैं एडीएम हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 94 54 41 76 15। वो सीधे हमसे संवाद कर सकते हैं अगर कोई उनको दिक्कत आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।